पूरे देश में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। योग दिवस के मौके पर मेरठ पहुंचे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ने विधायक और अधिकारियों के साथ योग किया। पूरे शहर में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। सिद्धार्थनाथ ने इस मौके पर कहा कि योग स्वस्थ रहने का पासपोर्ट है। मंत्री मोदी जी ने ये कहा था और यूनाइटेड नेशन में कहा था कि आप लोग योग दिवस मनाना चाहिए 21 जून को, और ये अच्छे संकेत हैं भारत के लिए भी, और भारत की ये परंपरा है, संस्कृति है योग, और पूरे विश्व ने इसको अपनाया है। और 21 जून हर साल, आज चौथा साल है जो योग मनाया जा रहा है, विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, और मैं भी आज मेरठ में शिरकत किया हूँ। तो एक आनंद का होता है योग करने से, और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतना ही कहूँगा कि जो स्वस्थ जीवन का सही पासपोर्ट है वो योग है। आप योग करिए, निरोग रहिए। संगम नगरी इलाहाबाद में योग दिवस के मौके पर अनोखा संगम देखने को मिला। साधु संतों, आम नागरिकों के साथ विदेशी पर्यटकों और सरेबल पॉलिसी से पीड़ित बच्चों ने योग किया और योग के महत्व को जाना। क्रिया योग आश्रम की योग माता ने कहा कि योग करने से जीवन में परिवर्तन आता है। राष्ट्रों से आए हैं, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, ब्राजील से, और सब अच्छे लोग हैं। इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और ये लोग योग सीखने आए हैं। वास्तव में क्रिया योग सीखने आए हैं। क्रिया योग करके ये योग की अनुभूति करेंगे। योग की अनुभूति ही आत्मज्ञान की अनुभूति है। गोंडा में योग दिवस के मौके पर विधायक और अधिकारियों ने जनता के साथ योग किया। योग के जनक रहे महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि गोंडा में महर्षि पतंजलि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों ने योग किया और योग के फायदों को जाना और समझा। हमारे जनपद गोंडा में और पूरे देवीपाटन मंडल में बहुत ही उत्साह के साथ समस्त जनपदों में, समस्त तहसीलों में, समस्त इलाकों में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये सामान्य जन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। जनरल एक सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। मुगलसराय में रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिविर का आयोजन कर योगाभ्यास किया। बाकले ग्राउंड पर आयोजित योग शिविर में DRM सहित सैकड़ों की तादाद में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हुए और योगाभ्यास किया। बाराबंकी में जगह जगह योग दिवस मनाया गया। GIC ऑडिटोरियम में आयोजित योगा कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने शिरकत की और हजारों लोगों के साथ योग किया। प्रभारी मंत्री ने लोगों से कुछ वक्त निकालकर योग कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की कि सारे लोग अपने व्यस्त समय में से कम आधा घंटा, एक घंटा निकाल करके हम स्वस्थ होंगे तभी देश भी स्वस्थ होगा। अगर देश को स्वस्थ करना है तो हमें भी स्वस्थ रहना होगा। हमको इस योग की विधा में शामिल होकर के इस देश के प्रधानमंत्री का जो आंदोलन है उसकी अगुवाई में हमें चल करके पूरे दुनिया को हमको रोग मुक्त करना है। प्रतापगढ़ में भी लोगों में योगा को लेकर काफी उत्साह दिखा। शहर में कई जगहों पर अलग अलग संगठनों ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया। जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने अधिकारियों और हजारों लोगों के साथ योग किया। योग के द्वारा हम अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं, और जिस तरीके से आजकल चैलेंज दिया जा रहा है योगा का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के हर वर्ग के लिए, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, एक इंस्पिरेशन है और हम उनसे सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। फरुखाबाद में फतेहगढ़ स्टेडियम और आर्मी के करियापा मैदान में विश्व योग दिवस मनाया गया। आर्मी सेंटर में सिखलाई रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट के जवानों ने योग किया। वहीं BJP सांसद मुकेश राजपूत ने भी अधिकारियों और लोगों के साथ योग कर लोगों से इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की कि हम सब लोगों को योग से जुड़ना चाहिए, योग करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा पूरा हिंदुस्तान तो समृद्धशाली जरूर बनेगा। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर एक साथ योगा किया। आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने अधिकारियों के साथ योगा किया। सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि पूरे विश्व में योग को PM मोदी ने स्थापित किया है, और लोग रोगी ना बने, योगी बने, योग करें। पूरी दुनिया में योगा दिवस
आज नगरी में भी योगा दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे अपील करता हूँ इस योगा दिवस को पूरे दुनिया में स्थापित करने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, और यही है कि आज जो योगी नहीं बनेगा वो रोगी रहेगा, या योगी नहीं तो रोगी। इसलिए योगी बन करके स्वस्थ रहे, देश समाज का काम कर रहे हैं। हमीरपुर में योग दिवस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोग योग करने के लिए सुबह 6 बजे से पार्कों और स्टेडियम में जमा हो गए। हमीरपुर के प्रभारी मंत्री मन्नू कोरी ने डीएम और हजारों लोगों के साथ योग किया। हमारे देश की सबसे बड़ी प्राचीन संस्कृति के रूप में मनाते हैं, और भारत देश हमेशा से योग करते आए हैं। इसी में हम लोगों को बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। बदायूं में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली। विश्व पटल पर योग को मान्यता मिलने के बाद बदायूं में हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। सभी धर्मों के लोगों ने एक मंच पर आकर योग दिवस मनाया। वहीं बच्चों ने सभी को योग के लिए प्रेरित किया और योगा कर लोगों को योग के फायदों के बारे में बताया। जब हम स्वस्थ होंगे, एकाग्र मन से जब कोई काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, और जब हम स्वस्थ होंगे तो देश के अंदर हमको कुछ करने का मौका मिलेगा, और एक संदेश देने के साथ साथ भारतवर्ष के भविष्य के बारे में जो आम जीवन में चिंताएं हैं, आम जनमानस में चिंताएं हैं, उस विकार को दूर करने का भी काम योग करता है। शाहजहांपुर में भी बड़े स्तर पर योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और सेना के जवानों सहित सैकड़ों लोगों ने योग में हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्ण राज ने भी शाहजहांपुर में योग किया और देशवासियों को विश्व योग दिवस की बधाई दी। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह योग करें और स्वस्थ रहें। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने योग दिवस के मौके पर गाजियाबाद में योग किया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने योग किया है। नवयुग मार्केट में स्थित वाल्मीकि पार्क में बीजेपी ने योग शिविर लगवाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार हुआ। सर, ये नहीं कि 21 तारीख को ही करना है, 21 तारीख को एक नई चेतना, और इसमें प्रयत्न ये है कि जो भारत की एक प्राचीन परंपरा है जिससे सब लोग स्वस्थ रह सके, उससे पूरे विश्व को लाभ। मिर्जापुर में बड़े उत्साह से योग दिवस मनाया गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी ने बढ़ चढ़ कर योग दिवस में हिस्सा लिया। गंगा नदी के बीच में बने रेती से लेकर शहर और गांव-गांव तक कई स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया गया है। गंगा नदी की रेती पर सैकड़ों लोगों ने योग किया। 177 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी और उसी आशीर्वाद के क्रम में जिला प्रशासन भी पूरे जनपद में योग दिवस का आयोजन किया है। हमारा मुख्य कार्यक्रम GIC ग्राउंड में है, जहां करीब 35 से 40 हज़ार लोग योग करेंगे। इसके साथ हमारे सारे ब्लॉकों में, सारी तहसीलों में और सारी ग्राम पंचायतों में योग दिवस का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग आयोजन किया गया। ग्रीन पार्क में जिले के बड़े अधिकारियों ने लोगों के साथ योग किया और योग के महत्व को लोगों को बताया। इस बार की जो थीम है, करें योग रहें निरोग, ये पूरी तरीके से एक सार्थक थीम है, जो बताती है कि अगर हम योग करेंगे तो पूरी तरीके से निरोगी रहेंगे। जिस प्रकार से पूरे विश्व में योग का महत्व बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व के हर कोने में, हर गली में योग दिवस के अवसर पर ही नहीं बल्कि लोगों की प्रतिदिन जो दिनचर्या उसका हिस्सा योग हो गया है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों मेहनत करके एक आविष्कार किया जीवन जीने का। सहारनपुर में भी योग दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय से लेकर गांव और मोहल्लों में भी लोगों ने योगा किया। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मेयर ने अधिकारियों के साथ योग किया। वहीं योग दिवस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बड़ी संख्या में योग में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।